जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक नोटिस देख पा रहे होंगे, ये कल शाम को एक नोटिस आया है और SSC जो है अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है। आपको मैंने ये वाला नोटिस कल शाम को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। अब हम लोग सीधा बात कर लेते हैं कि SSC MTS की जो आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली थी, SSC MTS 2022 का नोटिफिकेशन है, वो आज जो है आप लोगों का आ जाएगा। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आज देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SSC इस बार मिशन मोड पर काम कर रहा है। हर एक एग्जामिनेशन के अंदर उनके पैटर्न्स को उन्होंने चेंज किया, जैसे CGL हो गया आपका, CHSL हो गया, GD के अंदर भी इवन उन्होंने चेंज कर दिया है। तो MTS के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि GD के अंदर उन्होंने 80 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर कर दिए, तो मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि MTS के अंदर इतना चेंज तो कर देंगे ये लोग कि 80 क्वेश्चन आप लोगों को एक घंटे के अंदर करने होंगे। बाकी आपका नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन आप लोगों का आज आ जाएगा 17 तारीख के आज, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर जो जारी किया था ना उसके अंदर बता दिया था। हम लोग बात करने वाले हैं MTS 2022 का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया आज आ जाएगा, चेंजिंग क्या होने वाली है उसके अंदर भी, वैकेंसीज कितनी आउट हो सकती है। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज हैं 60,000+ वैकेंसीज हैं उसके अंदर, वो भी क्या MTS के थ्रू भरी जाएंगी। तो उनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पद हैं उसके अंदर, जैसे कि उसमें बोला गया है, उस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 25% जो है उन लोगों को प्रमोशन के थ्रू अपना कवर करना है, 25% प्रमोशन के थ्रू करेंगे और बाकी जो आपका बचा हुआ है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करने वाले हैं। इसके अंदर अगर 12th पास वाले, अगर 12th जिसके अंदर योग्यता 12th मांगी गई है, तो वो उस CHSL में डाल देंगे, जो आपका नोटिफिकेशन 2023 का आएगा उसमें डालेंगे, और बाकी अगर 10th वाले हैं तो उसको MTS के अंदर डाल देंगे। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। हम लोग बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, तो कितनी वैकेंसी MTS के थ्रू इस बार भरी जाएंगी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपकी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आउट होने वाली है 60,000+ वैकेंसी वो हैं, तो उनमें से उनको मैंने बता दिया आपको, कुछ वैकेंसी जो है MTS के थ्रू फिल करी जाएंगी और एग्जैक्ट डेटा आज शाम को आप लोगों को मिल सकता है, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके माध्यम से, ठीक है। और ये है आप लोगों के लिए, अभी एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आर्टिकल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मी बनने की होड़ में BTech और MBA वाले, तो सीधी सी बात है यहाँ पर देखो MTS के लिए ही यहाँ पर स्थिति बताई गई है, MTS के लिए अभ्यर्थियों की स्थिति यहाँ पर बताई गई है आपको, साल 2021, 20 और 19 की यहाँ पर बताई गई है। तो देख सकते हैं कि BTech वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, MTech वाले कितने लोग हैं, और उसके बाद MBA वाले, BBA वाले, MCA वाले, BCA और BEd, LLB और MSc वाले, तो ये लोग भी जो है ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जब बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और क्वालिफाइड आप कितने भी क्वालिफिकेशन आपकी हो, बट अगर वैकेंसीज आउट होंगी तो आपको कहीं ना कहीं तो भाई फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। CGL अगर नहीं निकल रहा है, CHSL नहीं निकल रहा है, तो MTS में जाहिर सी बात है कि भाई फिल करेंगे। तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि होड़ पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्यों निकाल रखा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आज आवेदन जो है आज संभव हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है MTS 2022 भर्ती के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है, इसमें बताया गया और नोटिफिकेशन में बताया गया था आपको। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2021, 2020 और 2019 में मध्य क्षेत्र में क्रमशः इतने इतने, और यहाँ पर ये आवेदन बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते हैं क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी सारी होती हैं और 10th लेवल का एग्जामिनेशन होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका CHSL एग्जामिनेशन आप लोगों का कब तक हो सकता है, तो उसके लिए भी आज या कल तक आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा SSC की साइट के ऊपर, और MTS का नोटिफिकेशन आज आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि चेंजिंग क्या होगी, मैंने आपको बता रखी है, और यहाँ पर CGL के काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स आते रहते हैं। CGL 2022 का फाइनल रिजल्ट 2023 में है, वो आप लोगों का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। और दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इस साल जो है MTS आपके दो MTS होने वाली है, तो 22 वाला होगा, 23 वाला भी 23 के अंदर भी कराया जाएगा, CHSL दो आपके होने वाले हैं, तो आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, और बाकी आप लोगों का क्या राय रहता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है इस बार MTS के अंदर, क्या चेंज कर सकते हैं ये लोग, तो वो सारी चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है और नोटिफिकेशन आज आपका शाम तक आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।